हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये डिफाइन होती है ट्रांजिशन मेटल के लिए। जी हाँ, ट्रांजिशन मेटल जो कि बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, उसके लिए डिफाइन होती है। और ये क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी इज दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन की या फिर मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसे ही हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। ये तो हो सकती है या तो नेगेटिव, या फिर ये हो सकती है पॉजिटिव, या फिर ये हो सकती है जीरो। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं FeCN6 फोर माइनस। तो इसमें अगर आप देखें तो आयन का जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है +2। ओके, तो आयन की यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी जो है वो है +2। और लगे हाथ में एक नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है FeCO6 माइनस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये बना है लिगैंड कार्बोनिल से। इसमें जो ये लिगैंड देख रहे हैं आप ये है कार्बिन मोनोऑक्साइड। चलिए मैं थोड़े दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये है कार्बिन मोनो ऑक्साइड, ओके। और इसमें जो आयन है उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है -1, ओके। तो जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है सेंट्रल एटम के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के लिए, ओके। तो इसमें -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। जनरली स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि मेटल आयन जो है वो प्लस दिखाएंगे या फिर इसमें जीरो होगा, बट ये भी कुछ एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूट्रल की तरफ। तो न्यूट्रल का एग्जाम्पल है NiCO4। जी हाँ, इसे कहते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जिसमें निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जीरो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्राइमरी वैलेंसी, ओके, जिसे हम आयोनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।